ये नहीं पीले वाला लो, पीले वाला वहाँ पे भाई जी, वो डब्बे में पीले वाले आता हूँ अभी। आधार शक्ति नमो नमः कुरुकमलासने व्यो नमो नमः पुष्प लेके हाथ जोड़ दो और पृथ्वी आगच्छा यातिष्ठा सूर्य नारायणाय नमः प्रसिद्ध देवताय नमो नमः। थोड़ा भगवान सूर्य को जल देना इधर। ओम हरि ओम महारि ओम महापतिपादकराय भान भास्कराय नमः दिवाकराय नमः सूर्याय नमो नमः। बस ओम हरि ध्यान करो। ओम देया सदा सर्वमंडल मध्यवर्ते नारायण सरसिजासनि सन्निधिष्ठा चक्रः। ओम सूर्याय नमः भास्कराय नमः भानुमंडलाय नमः कर्मशाखिनि यौ नमो नमः। ओम अपने इष्ट देवता कुल देवता अपने गांव के देवता सबका ध्यान करो जरा। ओम शुभम भवतु कल्याणम आयुरारोग्य सुख संपदा चारवदोग विनाशायो सर्व कष्ट विनाशायो दीपक ज्योति शांति सिक्योरिटी वाले को फोन कर देना, फोन कर रहा है। ेषां कुतस्तेषां पराजया येषाम् इन्द्रहरस्यामो हृदयस्थो जनार्दन वक्रतुण्ड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकं कुर्यात् ॐ ॐ हरिः ॐ हरिः ॐ ॐ विष्णु विष्णु हरि हरि नमो परमात्मने नमः प्राणसुतमाय नमः। श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्याभिसंराज्ञां प्रदमान सत्यादवीतिहाप्राभिः श्रीश्वेत् भारागतकण्डे भागवर्षे आर्यायुगपर्षेत्रान्द्रस्य दिल्लीनगरान्द्रस्य राक्षदाचः कृष्णपक्षे कृष्णे त्रयोदश्यां पुण्यतो ज्येष्ठानां भैया भैया बात में जा रहा है। नंबर बाहर पड़ा उसके गाड़ी में। सुबह बताया।
पंडित जी और कैसे रखना अग्नि का पूजन कर रहे पढ़ते बना रहे हैं ¡Vamos! 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 ¡
जी थोड़ा बचा दो, दिल के लिए भी आएंगे ना लोग। फेसबुक पर डालनी है। चलो अरे डाल डाल डाल। बाबा जी चलो ना।
यहाँ पे आज इसके अलावा आर्टिमिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ने एक मेडिकल कैंप सा लगा रखा है जहाँ पे आप अपना बीपी चेक करवा सकते हैं, जहाँ पे आपका लुफ्त लेना है तो उस तरफ भी है। उसके अलावा भी जो दिल्ली के भी लोकल खाना जो मिलता है, कुजीन है, वो भी यहाँ पे है। तो हम थोड़े शॉर्टली अभी कुछ देर में शुरू करेंगे। और द्वारिका की जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वो कुछ देर प्लीज यहाँ पे आ जाइए, इकट्ठा हो जाएंगे। नहीं, पहाड़ियों के तो वैसे भी दो घर होते भी हैं। पहाड़ों में जब होता है गर्मी होता है तो ऊपर जाते हैं, और सर्दियों में हम नीचे आते हैं। तो जो हम नीचे से ऊपर जाते हैं और ऊपर से नीचे आते हैं, हमारे पूर्वज यही कपड़े पहन के, लेडीज ये पहनती थी और जेंट्स एक दूसरा रंगा कहते हैं वो पहन के ऊपर नीचे जाते थे। एंड आई डोंट नो हाउ दे मैनेज्ड, हमको तो इतना मैनेज करने में भी बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट हैट्स ऑफ टू देम कि वो कैसे मैनेज करते थे। हैव ऑल द पीपल कम हियर, कैन आई ऑल्सो रिक्वेस्ट दैट एज आई मेंशन द रंग कल्याण संस्था, मीनूपतिया जी आप हमें रिप्रेजेंट तो कर ही रहे हैं, हाथ हाथ ऊपर, और जो भी बाकी के रंग है वो भी हाथ ऊपर। वेरी गुड। तो बहुत सारे लोग अभी आने वाले हैं, जो यहाँ बैठे हैं आप लोग अर्ली बर्ड्स हैं, और जैसे कहते हैं अर्ली बर्ड्स को भी कुछ मिलना चाहिए, उनके लिए कोई डांस परफॉर्मेंस क्यों नहीं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऊपर आके एक बार कर ले। हाँ, ढोल के साथ क्यों नहीं, है ना। Ladies and gentlemen, let me also take this opportunity to introduce a very special person. Okay? I'm going to hand over the mic to Taliyon ke gargrahat se inko welcome kiya jaye, because he has done a lot along with these various other teams. Teams to bahut bani hai, but team ko manage karne ke liye bhi koi main person jo hota hai wo Mr. Negi rahe hain. So Mr. Negi, I'm going to hand over the mic to you. आप प्लीज सबको बता दीजिए। थैंक यू संदेशा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिक्वेस्ट बड़े भाई मुकुंद सिरसवाल जी, जिनके बैनर के तले आज हमको उत्तराखंड में उत्तराखंडी उत्तरायणी महोत्सव को आयोजन करने का श्रेय प्राप्त हुआ। उनके साथ भाई आनंद रावत आप ऊपर आ जाइए, बहन सावित्री आप भी आ जाइए, हमारी बड़ी दीदी सिरसवाल यू प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू वेरी मच संदेशा फॉर ऑल द ब्यूटिफुल इनॉग्रेशन ऑफ द उत्तरायणी। मेरे उत्तराखंडी उत्तरायणी महोत्सव द्वारका के परिवार के सभी मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग और मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाने वाले दो महीने से लगातार जो एक रात को एक दिन किए हुए हैं, हमारे कोर टीम की तमाम सदस्य मातृशक्ति और भ्रातृशक्ति सभी ने मिलकर के इस दो महीने में जो अंदाजा आप लोगों के सामने पेश किया है उसके जिम्मेवार मेरे साथी, मेरे कोर टीम के तमाम मेंबर हैं, मुझे जोरदार तालियां। ये श्रेय जाता है मेरे छोटे भाई भरत बिष्ट को, जिन्होंने कि
मेरे को बताया कि भाई साहब सारे दिल्ली में उत्तरायणी दिल्ली सरकार आयोजन कर रही है, तो क्यों ना हम द्वारका में करें। आई टुक हिज चैलेंज और हम सब पहले हमारे जो संस्था के इनिशियल स्टेज में हमारे दो चार ग्रुप के मेंबर हमारे साथ जुड़े, हमारे आदरणीय जोशी जी, टीपी जोशी जी, आप आइए यहाँ पर, आते जाइए। एंड ही इज द पर्सन हु इज गेटिंग ऑल द गवर्नमेंट कॉम्प्लेंसेस फॉर उत्तरायणी एंड हेल्पिंग अलॉट। उसके बाद मातृशक्ति में मीना पटियाल जी हमसे जुड़ी हैं, शशि रावत वो हमसे जुड़ी हैं, हमारे साथ राजेश रावत, आप थोड़ा आगे आते हैं, यस हमसे जुड़े हैं। हमारे यूथ टीम के दिनेश, वहीं से हाथ ला दीजिए, प्रीतम पांडे, सुनील सेमवाल, बलदेव बिस्ट और ये हम राजेश रावत, ये हमारी इनिशियल टीम थी। यहाँ से हमने अपना बीड़ा उड़ाया, उसके बाद हमारा कारवां चला राधिका अपार्टमेंट सेक्टर 14 की तरफ, सेक्टर 14 राधिका अपार्टमेंट की तरफ, जहां पर अमृता बिस्ट भी हमको मिली। तो मैं ये कह रहा था कि राधिका अपार्टमेंट में जाने से हमको जो एक एनर्जी, एनर्जी जो मिली है, वहां पर एक उत्तराखंड का प्रोग्राम हुआ था, उसको देख करके ये सब कुछ करने का हमको बल मिला और हमको एक साथ मिला टीम राधिका अपार्टमेंट। और दूसरा जो श्रेय जाता है हमारे उत्तराखंडी जागृति मंच लेड भाई अनिल पंत जी, इन्होंने हमारे ऐसे ऐसे मौकों पे हमारा साथ दिया जब हमको ग्राउंड बुक नहीं हो रहा था, और गवर्नमेंट में डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत सारी सबको होती है, तो विद इन ए डे और टू ही मैनेज टू गेट रजिस्टर्ड हिज दिस मंच, ऑडिटेड एंड सबमिटेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू डीडे ऑफिस एंड फाइनली वी गॉट द अप्रूवल। बिग हैंड टू मिस्टर अनिल पंत ऑल्सो। उसके बाद हमारा मीटिंग टू मीटिंग पार्क में बैठना, पोचनपुर में ध्यानी साहब, लेफ्टिनेंट कमांडेंट ध्यानी साहब, दसवाना जी, तो दसवाना जी, ध्यानी जी, इन्होंने पोचनपुर में वो समा बांध दिया जब हम वहां पर 7 जनवरी को अपने ढोल धमाम मसक बिंग के साथ वहां से हमने आगाज किया, तो बारात चलती गई और जब यहां पर हम अपना राधिका अपार्टमेंट में हमारा जो लास्ट स्टेज पड़ाव पड़ा, तो हमारे साथ तमाम द्वारका निवासी, तमाम हमारे राजापुरी के, बिंदापुर के, पोजनपुर के, भरत बिहार के, नन्हे पार्क के, ककुरला 15 सेक्टर, 16 सेक्टर, ये शिवजी की बरात को इसको हमने उसका नाम दिया। और उसके बाद जो मेन बात है वो ये है कि आज यहां पर उत्तराखंडी का जो पड़ाव है, तो आने वाले जो हमारे मेहमान होंगे, हमारे ब्यूरोक्रेट्स होंगे, हमारे राजनीतिज्ञ होंगे, उनसे हम यही आह्वान करेंगे, यही विनती करेंगे, यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पार्क का नाम उत्तरायणी पार्क से जाना चाहिए। उत्तरायणी पार्क एक उत्तराखंड का पवित्र त्योहार, मकर संक्रांति उत्तरायणी मकरानी, यह हम बोलते हैं। खिचड़ी की व्यवस्था यहाँ पर है जो कि मीना पटियाल जी के द्वारा किया जा रहा है, बिग कलेक्ट और हर ऑल्सो। साथियों, सबसे बड़ी जो हमको एक हेल्प मिली है वो आर्टिमस हेल्थ केयर साइंस, आर्टिमस हॉस्पिटल्स, जो कि आज यहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी कर रखी है, मेडिकल फ्री चेकअप कैंप हो रहा है, और साथ में उन्होंने हमको तन मन धन सबसे सब चीज़ों से हमारी मदद की है। मैं यहाँ पर आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, एक अर्ज करूँगा कि आप सब डिसिप्लिन मेंटेन रखें और ये संदेश पहुँचाएँ कि जैसा पूरी दिल्ली में, पूरे उत्तराखंड में और पूरे जो चैनल्स हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं, अगर आप लोगों ने उनमें देखा होगा तो हर जगह उत्तराखंडी उत्तरायणी महोत्सव द्वारका सब्सिडी ही छाया हुआ था। ये श्रेय जाता है हमारे पूरी टीम को, जोशी जी को, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, और जो हमारे मीडिया में आज एक एड देने के लिए, एक समाचार कुछ लिखने के लिए
कम से कम 20-30 हजार रुपए खर्च होते हैं, लेकिन हमने इसमें कोई पैसा खर्च नहीं किया। इंग्लिश न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर, तमाम न्यूज़पेपर में उत्तरायणी उत्तराखंड की धूम मची हुई है। मैं यहाँ पर ज्यादा ना बोलते हुए कितना इतना बोलूंगा कि आज हम इकट्ठे हुए हैं इस मकरणी उत्तरायणी समाज के लिए, जो कि हमारा एक पवित्र त्यौहार है और द्वारका से आगाज हुआ है। एक छोटा सा मैं अपनी भाषा में एक थोड़ा गीत के बारे में मैंने कुछ बोल लीजिए, जो मेरे फेसबुक फ्रेंड है, व्हाट्सएप फ्रेंड है, सबने सुना होगा। उत्तरायणी मकरणी को म्योलू लग्यू चा, सेक्टर 14 द्वारका मा थौलू लग्यू चा, उत्तरायणी मकरणी को म्योलू लग्यू चा, सेक्टर 14 द्वारका मा थौलू लग्यू चा, आवा मेरा भूलो भैजो तुम सभी आवा, उतरणी मकरणी को मान बढ़ावा, सम्मान बढ़ावा, पहचान करावा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मेरे साथ जुड़े थे, बोल नहीं पाया, प्रीति कोट डाला, वो भी कोर टीम में हमारी सुर से जुड़ी हुई है, यहाँ पर दिख नहीं रही क्योंकि वो फूड का अरेंजमेंट वही देख रही है, एंड प्रीता भारद्वाज जो भी कि हमारी कोर टीम की मेंबर हैं, और किसी अगर मेरे कोर टीम में मेरे भाइयों का, मेरे साथियों का किसी का नाम मैं रह गया हो तो मुझे माफ करना। चौहान जी हमारे राधिका अपार्टमेंट के, तो महेश बदला मैं कह रहा हूं, तमाम
इसमें कोई बुरा नहीं मानेगा, हम सब एक हैं, टीम है, टीम उत्तरायणी। थैंक यू। जो है हमारी जो जगह है वो कुमाऊं में फॉल करता है, पर मेरी जो बोली है वो रंगलो है। आप जब कुमाऊं और गढ़वाली में बात करेंगे तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, पर जब मैं अपनी बोली में बात करूंगी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारी जो बोली है वो जैसे इंडिया है, वो इंडिया में 6 लैंग्वेज फैमिलीज है, तो पहाड़ी बोली जो है वो इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली में आती है, जिसमें आसमीज, गुजराती, सिंधी, हिंदी होती है, तो लोग समझ सकते हैं। पर मेरी बोली रंगलो आती है टिबेटो बर्मन लैंग्वेज फैमिली में, तो थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में, तो मैं जरा अपनी बोली में बोलती हूँ। बिदला, बिदला मतलब है सब ठीक है, और मैं सब बड़ों को प्रणाम करती हूँ और छोटों को प्यार और आशीर्वाद। और यही एक मौका मैं लेती हूँ जरा अपने बारे में बोलने के लिए। अपने बारे में मैं इसलिए नहीं बोलूँगी ताकि मैं अपने बारे में बोस्ट करूँ, बट मैं इसलिए बोलूँगी ताकि मैं और पहाड़ी जो यहाँ बैठे हैं और जो नहीं, जो पहाड़ी नहीं भी है, उनको मैं अगर कुछ सहायता दे सकूँ पढ़ाई के मामले में। मेरा नाम है संदेशा रायपा गर्ब्याल। रायपा मेरे फादर के नाम से है और गर्ब्याल मेरे हस्बैंड के नाम से है। मैं फ़िलहाल JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। मेरी PhD हो गई है तो मैं डॉक्टर टाइटल लगा सकती हूँ, पर मैं पसंद इतना करती नहीं हूँ। मैं वो गलत फहमी पैदा नहीं करना चाहती हूँ कि मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। तो आई एम नोन एज संदेशा रायपा गर्ब्याल। अगर आप में से, आपके बच्चों में से किसी को पता लगाना है कि JNU के एंट्रेंस के बारे में कब कैसे हो, प्लीज़ आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प एनी वन रिगार्डिंग दिस, क्योंकि पढ़ाई नॉलेज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और हमारे पहाड़ी लोग आगे तभी बढ़ पाएंगे अगर उनको पता होंगे कि यूनिवर्सिटीज़ में कैसे पहुँचे। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो बच्चे यहाँ पे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर्स के अलावा, आप थोड़ा और आगे सोचिए। यूनिवर्सिटी लेवल में हमारे पहाड़ी लोग बहुत कम हैं, हमें चाहिए कि आगे जाके प्रोफेसर लोग भी पहाड़ी लोग हों। तो मेरा नंबर है 9811622299। मैं रिपीट करती हूँ, 9811622299। आप मुझे सर्च भी कर सकते हैं JNU, मेरा ईमेल आईडी होगा sandesharaipa@mail.jnu.ac.in, एंड आई वुड लव टू हेल्प ऑल ऑफ यू एंड योर चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज बी रेडी, वी आर अबाउट टू स्टार्ट विद आवर परफॉर्मेंसेस। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। आप अपने लिए तालियां बजाइए कि आप संडे के दिन आए हैं, और काफ़ी अच्छी हमारी सीट भर रही है, अच्छी बात है। अगर आपके कोई दोस्त या पड़ोसी हैं जो बोल रहे थे हम थोड़ी देर में पहुंचेंगे, फटाफट उनको फ़ोन लगाइए, कहिए कि जल्दी जल्दी पहुंचो, डांस परफॉर्मेंस शुरू होने वाले हैं। और जो ये हमारे यहाँ म्यूजिशियंस हैं, आप प्लीज़ तब तक आइए, स्टेज को ले लीजिए। जो यहाँ पे है, आप सामने जो दिख रहे हैं, आप जा के यहाँ पे परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकते हैं टेम्पररीली। थैंक यू। वॉलेंटियर कार्ड यहाँ पर दे रखा है वो बैठना, वो कंटिन्यू एरिया में घूमते रहे। तो आप लोगों से निवेदन है, जिसने भी वॉलेंटियर कार्ड हमसे लिए हैं यहाँ पर, वो करें,
जैसे हमारे स्टॉल लगे हुए हैं वहां पर और पब्लिक के बीच में। ये रंगारंग कार्यक्रम में आप सभी संगीत प्रेमियों थे दिलीप रावत को सब प्रेम नमस्कार सेवसों जी पायलाग। तो एक बार जोरदार तालियां इस मंच के लिए। बाप रे ताली बजान में कंजूसी है। अरे भाई ज्यादा देर नहीं हुए अभी, जरा जोरदार तालियां। क्या बात। और उत्तराखंडी उत्तरायणी महोत्सव मां मैं आप सभी आयोजकों को तह दिल से धन्यवाद कर दूं, आभार व्यक्त कर दूं कि बड़ा ही मेहनत के साथ आप लोगों ने आज का ये कार्यक्रम था आयोजित करी। तो मैं चाहूंगा कि एक बार सभी आयोजकों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि एक कार्यक्रम को करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है और उसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं। कितनी सुंदर सी व्यवस्था, इतना सुंदर मंच और उत्तराखंड से बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकार आज इस मंच पर हमारे आयोजकों ने आमंत्रित किया है। मैं धन्यवाद दूंगा भाई नीरज पवार जी का कि जिन्होंने यहाँ पे आप लोगों से रूबरू होने का अवसर दिया, और साथ ही धन्यवाद दूंगा बड़े भाई महेश गंधर्व जी का जो कि उत्तराखंड के वरिष्ठ ढोलक वादक हैं, आज पूरी टीम के साथ यहाँ पे आए हैं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद दूंगा अपने बड़े भाई वीरेंद्र राजपूत जी का जो कि उत्तराखंड से मेरे छोटे से निमंत्रण पर यहाँ आए, और हमारे बड़े भाई श्रवण भारद्वाज जी को भी मैं नमन करता हूँ कि आज उनको बहुत दिनों बाद सुनने को इस मंच पर मिलेगा, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम श्रवण भाई जैसे कलाकारों के साथ मंच शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों आज दिल्ली में दिल्ली सरकार का द्वारा बहुत सारा कार्यक्रम छन उत्तरेणी का, और आप लोग जान रहे छा कि उत्तरेणी को कार्यक्रम हम उत्तराखंडियों को विशेष महत्व रख दो, और हमारी ये कोशिश जो कि हम नेशनल लेवल पर ये कार्यक्रम रखों लीजो, और आप सभी ये कार्यक्रम का वास्ता बधाई का पात्र चाहते। तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। बाप रे ताली बजान में कंजूसी नहीं करें भाई। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी लोकगीत ठगिया झोड़ा चांगड़ी हसेड़ खुदेड़ गीत बने बनी का गीत आप लोगों का बीच में बोला। तो मैं बोलो आइए सर ऊपर आ जाइए प्लीज। और सबके चेयरमैन श्री वीरेंद्र सिंह नेगी जी मेरे साथ मंच पर आ चुके हैं मंच शेयर करने के लिए। तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत करती हूं, और मैं धन्यवाद दूंगा नेगी जी का कि जिन्होंने अपनी पूरी टीम को गठित किया और बहुत ही सुंदर सा आयोजन यहाँ पे आयोजित किया। तो आपके बीच में वो कुछ कहना चाहेंगे, आप लोगों ने तालियों से साथ देना है भाई, ठीक है। तो नेगी जी आपका बीच। धन्यवाद अलीम। साथियों साथियों कोई भी काम करने के लिए आपके साथ आपका टीम होना, काम टीम का होना बहुत जरूरी है। उस टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना कि आप सब लोग यहाँ पर इस सुंदर से प्रोग्राम देखने के लिए आ रहे हैं, और अगर उनका नाम न सुने तो उनके साथ बहुत ही बेइंसाफी होगी। मैं एक बार फिर दोबारा से, क्योंकि हमारे कोर टीम के मेंबर अभी अभी पधार रहे हैं, उनमें से आधे, उनका नाम उनके कानों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। उनका बहुत बहुत इस प्रोग्राम को सफल बनाने में योगदान रहा है। मैं फिर दोबारा एक बार अपनी कोर कमेटी का नाम आप सभी के सामने बड़े अच्छे उसे लूंगा। सबसे पहले मेरे साथ हमारे बड़े भाई मुकुंद सिरसवाल जी, जिन्होंने कि इस प्रोग्राम को करने के लिए अपनी अनुमति इस उत्तराखंडी उत्तरायणी महोत्सव द्वारका सब्सिडी को दी। उसके बाद हमारे साथ जुड़े भरत बेस जी, दिनेश जोशी, राजेश रावत, प्रीतम पांडे, त्रिलोक प्रसाद जोशी, मीना पटियाल, शशि रावत, प्रीति कोटनाला, अमिता बिस्ट, प्रीता भारद्वाज, श्याम सिंह चौहान, सुभाष कांति, मुकेश बर्थवाल, प्रशांत घनश्याला, जोगिंदर सिंह बिस्ट, अनिल पंत, कैलाश धसवाना, एलपी ध्यानी जी, नागेंद्र चुयाल,
जगदीश सिंह नेगी के एस अधिकारी, इन दोनों को नाम लेने के बाद मैं इन दोनों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। सैटरडे और संडे ये दोनों भाई हम सब यहीं पर अपने टेंट मैनेजमेंट देख रहे थे। ये एसएचओ से लेकर एसीपी से लेकर डीसीपी, एडीएम, एसडीएम, डीएम और कमिश्नर और फायर ब्रिगेड दिल्ली जल बोर्ड एंड डोसो, जो भी आज गवर्नमेंट की सपोर्ट इस पंडाल को मिल रही है उसका श्रेय भाई जगदीश नेगी और केस अधिकारी को जाता है। उसके बाद डीएस मेहता जी जो कि सेक्टर 23 में है, काफी अच्छा बड़ा योगदान उनका है। ब्रेंडर बिस्ट और संजीव रावत, दिनेश नेगी, हरीश रावत, सुनील सेमाल, महेश पड़ोला, राजेंद्र सिंह रावत और जो अभी आपके सामने हमारी एंकर हैं प्रोफेसर ममता संदेशा गर्ब्याल और ममता गर्ब्याल जो कि इस टीम को, जो रंग समाज की टीम है उसकी टीम को लीड कर रही है। एक बार पुनः मैं आप अभी अपनी कोर कमेटी का धन्यवाद करते हुए आप सभी लोगों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि उत्तराखंडी उत्तरायणी महोत्सव द्वारका में आगाज कर चुकी है और उत्तरायणी पार्क में ये मेला अब शुरू हो चुका है। धन्यवाद इनको कि एकजुट एक मुठ होकर आप लोगों ने एकता का परिचय दिया और पूरी दिल्ली में जिस तरह आज उत्तरायणी महोत्सव मनाया जा रहा है आप उस महोत्सव का एक हिस्सा बने और बहुत ही सुंदर व्यवस्था, बहुत ही सुंदर अरेंजमेंट। पुनः धन्यवाद भाई नीरज पवार को कि जिन्होंने हम सब कलाकारों को यहाँ पर बुलाया, आमंत्रित किया। तो दोस्तों हम जब भी कुछ शुभ काम करता तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को आवाहन करता हूं। तो एक छोटी सी बैलेंसिंग हुए के बाद भगवान गणेश जी की वंदना और फिर कार्यक्रम। बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकार आज आपके बीच माना छन, भाई वीरेंद्र राजपूत, भाई मंगलेश डंगवाल जी, कविता गुसाई जी, स्वयं भाई नीरज कुमार जी और हमारे श्रवण भाई जी, बहुत ही अच्छा कलाकार। पहाड़ों की अधिष्ठात्री माँ भगवती नंदा और जिनके सानिध्य में हम पल रहे हैं, भगवान बद्रीनाथ, भगवान केदारनाथ जी की स्तुति का वास्ता दुई हाथ खड़ा करके बोलो बद्री विश्वास भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक छोटी सी बैलेंसिंग एक गीत का साथ विशाल को, माँ भगवती जगदम्बा नंदा सुनंदा को, नंदा माँ भगवती और गंगा माँ उत्तराखंड की पवित्र पावनी गंगा, जय गंगा जल जय दूर दूर बिटी
उत्तराखंड की धरती में जन्म हमारे सौभाग्य है कि हमारे नहणु खाणु सीणु वे गंगा जल में हुई हो। तो उत्तराखंड का वास्ता एक बार जोरदार तालियां, क्या बात। तो लिया शुरू करता भगवान श्री गणेश जी पूजू तो विघ्न गणपति बाबा अष्ट सिद्धि नव निधि का दाता, विघ्न विनाशक गणपति बाबा अष्ट सिद्धि नव निधि का दाता, भोले भंडारी छन भोले भंडारी छन कार्तिक भज पार्वती माता, कार्तिक भज पार्वती माता, कामराज
मां आप सब लोगों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बहुत खुशी की बात है आज ये पावन पर्व मां आप सब लोग एकत्रित हुए छन, सब लोग इकट्ठा हुए छन। मां भगवती से हमेशा यही प्रार्थना करो कि ये नहीं ये कार्यक्रम होनी रहन और आप लोगों के बीच मां आने को यो शुभ अवसर प्राप्त होनी रहो। तो मैं आपके सामने एक गठबंधना गोलू उम्मीद से आपने पसंद आ लियो। पावन मेरो उत्तराखंड गढ़ भूमि मेरो गढ़ देश पावन मेरो उत्तराखंड गढ़ भूमि मेरो गढ़ देश हरी को हरी
Thank you.
और आप लोगों को बिल्कुल भी दबा भाई नीरज पवार जी का निर्देशन मां और भाई मुकेश विश्व की कोरियोग्राफी आप लोगों के बीच मानी जी गीत का बोल छन यारा डोला लाई राखो और तमाम हमारे म्यूजिशियंस को आवाज एक बार जोरदार तालियां तलियावा उत्तराखंड को ग्रुप आपका बीच मां आयो जी यारा डोला लाई राखो Yeah.
Tu
एक बार प्रेम से बोलिए जय भास्कर सूर्य भगवान की जय। सूर्य भगवान का ही तिथि में 70 या 75 जगह पे उत्तरायण का महापर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरा उत्तराखंड मना रहा है। आप सभी को मनोज भंडारी की तरफ से इस उत्तरायणी महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, नमन, अभिनंदन। बाहर से आए हुए सम्मानित आज के मुख्य अतिथिगण, मेरी महिला शक्ति और विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए प्रतिष्ठित मेहमान, आप सभी का मैं उत्तरायणी टीम सेक्टर 14 द्वारका की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं वीरेंद्र सिंह नेगी जी को, जिन्होंने इतना सुंदर प्रोग्राम उत्तरायणी का यहां पे आयोजित किया हुआ है। आपका समय ज्यादा ना लेते हुए अब मैं आमंत्रित करूंगा कुमाऊनी सिंगर, कुमाऊनी सिंगर राजेंद्र सिंह जी से कि वो कृपया मंच पे आए। वो हिमाचल लंबी लटी अपने गीत सुना रहा हूं, ताली बजाते रहिए प्लीज। गाड़ा तो कछुआ ही माँ, गाड़ा तो कछुआ रण खेत में गोचु मेरो नो मेरो रजुआ, गाड़ा तो कछुआ ही माँ, गाड़ा तो कछुआ रण खेत में गोचु मेरो नो मेरो रजुआ। हाँ हाँ वही माँ तेरी लंबी लटी जंगली का फुना, मेरो मन खिली ही माँ यो तेरी रूपले, गुरु सी को फूला हिली बजानी हावले, मेरो मन खिली ही माँ यो तेरी रूपले। हाय 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 वो ही माँ तेरी लंबी लटी जमली का फूला, हाँ हाँ मेरी माई पड़ी रे बढ़िया।
महाभारत के जो योद्धा थे भीष्म पितामह, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और उन्होंने इच्छा जताई थी कि जिस दिन भगवान सूर्य दक्षिणायन से उत्तरार्ध में आएंगे उसी दिन वो अपनी देह त्याग करेंगे। इसके साथ साथ कहते हैं कि शगर के लाखों पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे और उनकी राख वहीं पड़ी की पड़ी रह गई थी। उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए दशरथ भगीरथ ने काफी तप किया और आज के दिन माँ गंगा गौमुख से अवतरित हुई और कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर में विलीन हो गई। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में भुगतिया के त्योहार से आरंभ होता है कुमाऊं का ये सत्र। कुमाऊं में गुप्तिया के नाम से इस त्यौहार को मनाते हैं, पूरे उत्तराखंड में उतरने के नाम से मनाते हैं और गढ़वाल क्षेत्र में ये खिचड़ी और मकर संक्रांति के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन आज हम अपनी संस्कृति को पूरे भारत के अंदर ही नहीं बल्कि एक वैश्विक स्तर तक भी ले जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं ऐसे सामाजिक संगठनों का, ऐसे सामाजिक संस्थाओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत आभार करता हूँ कि आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हाँ हम उत्तराखंड के वासिंदे हैं, उत्तराखंड मेरी देवभूमि है, मेरी मातृभूमि है। कहते हैं कि आसमान में किसी के ठिकाने नहीं होते, आसमान में किसी के ठिकाने नहीं होते और जो अपनी मातृभूमि के नहीं होते वो किसी के नहीं होते। इसी क्रम में ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कविता हुसैन जी को और वो गढ़वाली एक प्रस्तुति लेके आ रही हैं जिसके बोल हैं लोहा गाड़ी पट सुबनू। तो प्लीज एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
चीफ गेस्ट, वी हैव श्री महाबल मिश्रा जी जो अर्लियर एमपी थे वेस्ट दिल्ली के, एंड आई वुड रिक्वेस्ट आवर चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मिस्टर वीरेंद्र सिंह नेगी टू काइंडली एस्कॉर्ट हिम टू द स्टेज. नेगी जी, and can I request that the committee kindly pass over a bouquet over here? Can we have a bouquet to welcome Mr. Virinder Singh Negi? Is going to felicitate our guest Mr. Mishra with a bouquet. ठंड बढ़ रही है, लग रहा है आपके हाथ जम गए हैं, थोड़ा जोर से ताली मारिए. Then I now request Mr. Chauhan, Mr. SS Chauhan, to kindly felicitate our guest with a scarf. And can I also request Mr. LP Dhyani to felicitate our chief guest with a memento. Mr. Mishra, can I request you, Mr. Mishra, to kindly, thank you. Few words. बहुत ही सम्मान के योग चेयरमैन और लोह पुरुष कहूँ तो बड़ा कम होगा भाई वीरेंद्र सिंह नेगी साहब. इनके टीम के तमाम सदस्यगण, क्योंकि कार्ड नहीं है इसलिए मैं चाहूँगा कार्ड आप दे दें तो सबका नाम मतलब बोलूँगा, लेकिन उत्तरानी टीम के तमाम सदस्यगण, उपस्थित देवी और सज्जनों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और बहुत मुबारकबाद देता हूँ. ये भारत लघु भारत है, दिल्ली लघु भारत है, और जिसमें सभी संस्कृति और सभ्यता और देवता को देखने को मौका मिलता है. उत्तरायणी पर्व यहाँ मना करके अपनी संस्कृति और सभ्यता का परिचय दिया, लेकिन आपने एकता का भी परिचय दिया, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ. हम लोग सच में बतावें तो उत्तरायणी दो साल पहले तक नहीं जानते थे उत्तरायणी क्या होता है, लेकिन दो साल से दिल्ली में यदा कदा कहीं जाने को मौका मिला है तो उत्तरायणी प्रॉस्पेरिटी का शब्द है. आज उगते हुए सूरज को आराधना करने के हैं तो मैं समझता हूं ये हमारे देवता हैं जिनके पूजने से हमारे घर में समृद्धि, हमारे घर में सुख शांति आती है और देश में सुख शांति आएगी, इसकी भावना से आप पूजा ये करते हैं. इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं. वीरेंद्र जी, मुझे सच में पूछूं, अभी पूर्व वक्ता बोल रहे थे उत्तरायणी का भावना पितामह से जोड़े, जानकारी के अभाव, लेकिन मैं चाहूंगा जो आपसे कुछ इसके बारे में सीखने के भी चाहूंगा. और मैं आपको बधाई देता हूं जो इस तरह का आयोजन यहां आपने करके साबित किया, जैसे हम संस्कृति और सभ्यता के साथ अपनी भाषा का कदर करते हैं, आराध्य देवता का कदर करते हैं, हम किसी से अधूरे और छूटे नहीं, हम अपनी ताकत रखते हैं, ये बात आपने साबित कर दी. मैं इस गली में राधिका चौहान से भी और लेफ्टिनेंट कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट ध्यानी साहब से, चौहान साहब से मैं बहुत बधाई इन सबको देता हूँ, इनकी टीम को, जिस तरह से ऑर्गेनाइज हुए में पहली बार आप द्वारका में मना रहा, लगता है जिस सदियों से आप मना रहे हैं, जिस तरह की पंडाल, जिस तरह की आपने ये यहाँ व्यवस्था किया है, तो मुझे लगता है जो कि आप बहुत सदियों से कर रहे हैं. मुझे खुशी है जिस चीज़ की सपना हम लोग कुछ दिन पहले देखे थे वो सपना आज दिखाई दे रहा है, जो आज अपनी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और सभ्यता का दिल्ली में पहचान मिले वो आज दिखाई दे रहा है, हम सबको दिखाई दे रहा है. मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ, क्योंकि कई जगह जाना है, मैं क्षमा भी चाहता हूँ. और वीरेंद्र जी, आपको जितनी बधाई दी और आपको टीम को जितनी बधाई दूं वो कम होगा, आपके सबके चरणों में सर झुका के प्रणाम करता हूं. आप मुझे भी अपना भाई समझते हैं, अपना समझते हैं, मेरा तो आपसे संबंध है,
जो हम जनकपुर धाम के रहने वाले हैं, राम के नगरी के रहने वाले हैं, तो आपका हाँ हमारा संबंध तो बहुत बड़ा संबंध है। जो हम सीता के नगरी रहा जहाँ जन्मभूमि है वहाँ पे रहने वाले हैं, तो आप राम के नगरी के रहने वाले हैं, तो हम तो संबंध मेरा तो आपका अन्य आश्रय है। इसीलिए मैं अपने आप को जोड़ते हुए बहुत आपको शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत बधाई। हम बेटी वाले हैं, आप बेटा वाले हैं, इसीलिए आपको सबको बधाई। धन्यवाद महावल जी। और बेटी होने बेटी बेटी वाले होने का फर्ज आपने दिखा दिया। सबसे पहले आप यहाँ पर आए हैं, आपके चरण स्पर्श। कि हमने उत्तरायणी के माध्यम से अपनी संस्कृति नहीं अपनी एकता का भी परिचय दिया है, तो इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा कविता गुसेन जी से। पीछे जितने भी लोग हैं प्लीज आपसे मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज गैलरी से हट जाए, गैलरी को बिल्कुल साफ रखें, प्लीज अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए आप लोग। प्लीज जितने भी पीछे खड़े हैं प्लीज भाई लोगों से निवेदन है कि कृपया पंडाल में आके बैठे। Thank you.
पालिका सेक्टर 14 डीडीए पार्क में उपस्थित सब म्यारो माँ बहनी काका काकी अमा बबू सबूक में प्रकाश काला नमस्कार और सबूक है उतरणी घुगती त्यारो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज उतरणी महोत्सव उत्तराखंड चैत्र मंथ द्वारिका द्वारा आयोजित आपके प्रवासी क्षेत्र में दिल्ली सरकार द्वारा और बड़े भाई श्री नीरज कुमार के निर्देशन में हमें यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमारी लोक भाषा हमारी लोक संस्कृति हमारे उत्तराखंड लोक त्योहार उत्तरायणी कौती जो कि बागेश्वर में लागू और आज दिल्ली में ले आप लोगों यह कार्यक्रम आनंद लिमठा। आज हमारे बीच में उत्तराखंड जानी मानी कलाकार जो वरिष्ठ कलाकार श्री श्रवण भारद्वाज जी और युवा लोक गायक सुमित बनेसी जी राजेंद्र बिष्ट आरवी जी तमाम कलाकारों कविता गोसाई और अभी थोड़ी देर में किशन मेहपाल भाई सब आप लोगों के बीच में होंगे। बहुत ही अच्छा रंगारंग कार्यक्रम आज आपके मंच में भाई नीरज कुमार जी के निर्देशन में होगा। थोड़ी देर पहले मैं सोनिया बिहार ढाई पुस्ता गई वहां भी आना नहीं तू जाम लगो मैं गो यार तुम्हारे पुस्ता में है कोई मैं है कोई सुस्ता तो अब द्वारिका बुटी दौड़ लगा नहीं आया भाई ढोल दमाओं के साथ हमारे उत्तराखंड के ढोल वादक कैसे वादक भी हमारे बीच में आने वाले हैं तो एक लोक पारंपरिक गीत उसके बाद नंदा देवी की डोली यात्रा विशाल डोली यात्रा भाई नीरज कुमार के निर्देशन में मां नंदा की डोली यात्रा में आप लोग अपना मन तन धन से अपनी मनोकामना मां नंदा के लिए कह सकते हो। अरे मेरा ठका अरे नैनीताला जड़ लागू राधा आई बरेली में घमा दब बरेली में घमा यश भाई बंधुहणी यो काला की राम रामा आय हाय मासी मालरी पिजुली तारा उजाऊ हरो पाले रे मासी मालरी पिजुली तारा उजाऊ हरो पाले अरे गन गनो मा पानी चुटी रो चरो गागरो खाली रे चरो गागरो खाली वे राधा चरो गागरो खाली अरे मासी मालरी पिजुली तारा उजाऊ हरो पाली वही चौराम गंगा बगना बगन जछो गर्जा देवी का द्वारा एक बार उत्तराखंड हो सके सभी हाथ खड़े करेंगे। ये आप लोगों के बीच में हो रहा है आप लोगों के लिए आनंद और आपकी बोली भाषा आप लोक संस्कृति के लिए यहाँ पे आए और क्या बोलेंगे आय हाय वासी माले बिजली तारा बुझाऊ है रो पाली अरे गोंड गोंड मां पानी छोटी रो चरो गागरो खाली आय हाय चरो गागरो खाली वे राधा चरो गागरो खाली रे मासी माले बिजली तारा बुझाऊ है रो पाली मांडेश्वर महादेव अरे मासी माने धड़ा देवी पार्टना भूमिया देव अरे रंगी
लो पहाड़ मेरो उतरने को मदला किरो यशकर चौदह द्वारिका मजी सभी लोग हाथ खड़े करेंगे और डांस करेंगे हाय हाय मासी माले भी बिजली तारा बुझाऊ है नो पाले मैं कौन कौन माँ पाले छुट्टी रो चरोगा करो खाली रे चरोगा करो खाली वे ना मार चरोगा करो खाली रे मासी माले भी बिजली तारा बुझाऊ है नो पाले जब अरे कलेजी दिबेरा अब जके आपन भली यो गीत सुनबे रे आय हाय माछी माले री छिंदी तारा बुझाओ है नो पाले रे कौन कौन मा पाड़ी छोटी रो चरोगा करो खाली रे चरोगा करो खाली वे ना मा चरोगा करो खाली रे माछी माले री बिजली तारा बुझाओ है नो पाले रे कौन कौन मा पाड़ी छोटी रो अमृता जी बुके देंगे सीमा जोशी जी और प्लीज ये मैसेज पहुंचाइएगा जब ये प्रोग्राम चल ही रहा था उस दौरान मेरी सर से दो बार बात हुई है और वो भी काफी खुश हैं जिस तरह से यहाँ पर प्रोग्राम चला है तो यहाँ के पूरे संगीत की ध्वनि उन तक पहुंची भी है और वो काफी खुश हैं कि दिल्ली में जगह जगह पर इस बार इस प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है ये हम सभी उत्तराखंड वासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है और धन्यवाद सीमा जी दिनेश जी अभी आपको यहाँ के पिक भेजेंगे आपके व्हाट्सएप पे और अभी यहाँ गोपाल जी के व्हाट्सएप पे उसको भेज देंगे धन्यवाद थैंक यू और नीरज कुमार जी सुमित मनीषी जी माँ नंदा की विशाल डोली यात्रा के साथ पैथा सार भय के आज नंदा जी को डोला कविता गोसाई सुमित मनीषी जी सभी सभी कार्यकारिणी से मेरा अनुरोध है कि डोली के साथ आप लोग शामिल हो जाएं जी को डोला सजा लगी
Aho re aho, santa devi dol lagi do alvarama. Aho re aho, santa devi dol lagi do alvarama.
हूँ।